Congratulations, passa honi di anta danya honi ji. Milke bahut bahut khushi hoy. के अंदर आती गर्मी का एक झोंका आया है। जब गाड़ी में बैठता हूँ तब मालूम पड़ता है कि वॉशर प्रूफ खत्म है। हाँ तक मेरी नॉलेज है ये यहीं पे डलता है। ये गाड़ी तो पूरा डब्बा पी गई मेरा। मैं जा रहा हूँ मेरे कॉलेज में। कनाडा आने से पहले एक कोर्स लिया था, कनाडा आने के बाद एक कोर्स लिया था, यानी 1+1 टू ईयर की एजुकेशन इस तरीके से की थी। मैंने पहले मुझे मेल आया था कि आपकी डिग्री आ चुकी है, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट लेटर ऑफ कंप्लीशन फलान ढिंगना जो भी चाहिए होता है वो सब रेडी आके ले जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ आलस। लेकिन आज फाइनली उनका फोन आ चुका है कि अपनी डिग्री आके ले जाइए या शायद वो वहाँ पड़े पड़े सड़न आ जाए। आज हम जा रहे हैं हमारे कॉलेज की तरफ। बीस मिनट की ड्राइविंग करने के बाद हम कॉलेज पहुंच चुके। पार्किंग का कुछ ऐसा सीन है कि आप जो पार्किंग देख रहे हो ये किसी की प्राइवेट पार्किंग है, लगभग जो पीछे रेस्टोरेंट है उसकी पार्किंग है। ऐसी सब जगहों पे गाड़ी पार्क करने का रिस्क ये होता है अगर बंदा उनके रेस्टोरेंट की जगह कहीं और जाता है तो एक दूरबीन दूर से देख लेती है, फिर वो लोग टोइंग कंपनी को बुलाते हैं, गाड़ी को टो करवा सकते हैं। फौरन जाओ, तुरंत आओ और इनके कैमरा से बचो। एक अंकल मुझे भी जस्ट देख के गए और वो रेस्टोरेंट में से मुझे लग रहा है, तो देखते हैं कि क्या सीन रहता है। नमस्ते, मेरा नाम इन इंग्लिश, इन पंजाबी मेरा नाम चुतान सिंह है। So you are also learning Gujarati? A few words. Just a minute. राइटिंग मत देखो। ये मास्क बहुत परेशान करता था जब हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन कॉलेज देने आते थे। मास्क बड़ा ही परेशान करता था। बंदे थे यहाँ के सिक्योरिटी थे तो आके बार बार परेशान करते थे, फाइन लेते थे बिना मास्क के। मास्क इतना भी मिलता था तो यहाँ 3600 कैमरे लगा रखे थे इन लोगों ने। वहाँ से सीधे क्लास के अंदर आते थे कि भाई आपका मास्क यहाँ पे, 3 बार बोलेंगे, 4थी बार से पेनल्टी लेनी चालू और 6थी बार हॉलीडे, घर पे जाओ छुट्टी। अटेंडेंस चाहती थी फाइनली, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे मास्क को इसको फेंक दिया यहाँ। मेरे कॉलेज का नाम CJF दिला के SPCA @Elias। कमेंट करके बताना अगर गलत फ्रेंच बोल रहा हूँ तो। मिलके बहुत बहुत खुशी हो। धन्यवाद, थोड़ा स्वागत है। Congratulations, पास होने की अंत दानिया होने जी। जस्ट कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय बाय। बाय। तो अब वो टाइम है, मेरी हार्ट बीट थोड़ी दिल की बढ़ चुकी है। कोई टिकट नहीं है, बच गए। तो अभी हम जा रहे हैं, पास में ही एक पार्क जैसा है तो वहाँ जाके मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में क्या क्या घटनाएं घटी थी लास्ट के 17 दिन में। और आगे की तरफ जाते हैं। हुआ मुझे लग रहा था कि यहाँ से शायद तक मैं अंदर जा सकता हूँ, बैठ सकते। दोस्तों आज कॉलेज के अंदर आपको ले जाके मैंने ये तो दिखा दिया कि मैंने डिग्री कैसे ली, लेकिन मैंने आपको कैंपस टूर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे कॉलेज के अंदर जाके रियली में बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स था वो 12 महीने का था। 12 महीने में से 11.5 महीने ऑनलाइन निकले, यानी मस्ती से निकले, सोते सोते निकले, शिफ्टें लगाई, घूमने गए, फिरने गए, वॉक किए। बट जब लास्ट के 17 दिन बचे थे तो QAC गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि भाई अब आपको कॉलेज के अंदर आना पड़ेगा, वहीं एग्जाम देनी पड़ेगी। पढ़ाई करी थी ऑनलाइन सोते सोते घर बैठ के आराम से, एग्जाम देने का जो टाइम था वो हमें कॉलेज में देनी थी सर के सामने लाइव। सब टेंशन में थे। टाइमिंग था वो था 8 से लेकर 3:30 बजे का, बहुत ही छोटा टाइमिंग था। 11 महीने से जब ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो पता नहीं चल रहा था कि कैसे ये निकल रहे 7-8 घंटे, लेकिन जब हमको कॉलेज जाना पड़ा तो यही 8 घंटे 80 घंटे में बढ़ गए। मतलब समझ नहीं पड़ रहा था कि इसकी बैटरी अभी खत्म होनी थी,
पढ़ने के बाद घर आते थे, घर आते थे सेकंड दिन के लिए असाइनमेंट क्वेश्चनर पास के 15 दिन वेरी 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 स्ट्रेसफुल थे। रिजल्ट आ गया ऑनलाइन ओमनीबस में, भाई पास खत्म। सेकंड ईयर टोरंटो सेनेका कैंपस में ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, अभी तक चल रही है। दिन था और आज का दिन था, उसके बाद मैं कभी कॉलेज में नहीं गया। उनके बहुत सारे मेल आए थे, फोन आए थे कि भाई आपकी डिग्री विग्री आ गई है, इसको ले जाओ। मैंने कहा ले जाएंगे, पढ़े रखो तुम्हारे पास। मैंने कहा खो खा ना जाए, तो जाके फिर मैं आज ये अपने जो भी सर्टिफिकेट से ले आया, इसके अंदर लगभग परमिट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए इसके अंदर आ गई। बाकी तो ऐसी कोई खास जरूरत नहीं अपने को ये सब सर्टिफिकेट की, पर हाँ वर्क परमिट इसी के बेसिस पर मिलेगा। तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कनाडा में पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर हाँ पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई अगर आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जरा उसको आप कमेंट कर दीजिए। इस नेक्स्ट ब्लॉग में बाय। देखो ऐसा भी होता है चालू ड्राइविंग में ब्लॉगिंग करना, इज नॉट अ जोक ब्रो। अभी भी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, पूरा तो आया नहीं। चालू गाड़ी में गाड़ी रोकनी पड़ी मुझे, हाईवे नहीं था, नॉर्मल रोड था, फोन नीचे घुस गया था। आईफोन इतनी बार गिरा है ना, सोचता होगा कभी कभी तो गलत घर में आ गया हूँ मैं।